वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आज हम आपके लिए लाए हैं नागिन सीजन 3 के नए प्रोमो के बारे में। नया प्रोमो रिलीज हो चुका है, आप उसे टीवी पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी जल्दी ही आपको कलर्स टीवी प्रोमो के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर देखने को मिल भी जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी डिटेल बताने के लिए आ गए हैं इस प्रोमो के बारे में। प्रोमो क्या देखने को मिलने वाला है, आने वाले स्टोरी में क्या होगा खास, और यहाँ पर सबसे बेहतरीन स्टोरी क्या मोड़ लाएगी इस कहानी में। तो सबसे पहले सब कुछ हम बताते हैं, चलिए हम आपके ले चलते हैं इस स्टोरी के बीच में कि यहाँ पर प्रोमो में क्या दिखाया गया है। प्रोमो में दिखाया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर श्रवणी को सबसे पहले एहसास होगा उसकी शक्तियों के बारे में। उसके यहाँ पर हाथों में नाग की चमड़ी, यानी जो नाग नागिनों के ऊपर चमड़ी रहती है, वो निकलने लग जाएगी और वो घर के अंदर होगी और उसके आसपास नागों का बसेरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आसपास उसके नाग घूमने लग जाएंगे। सबसे पहले ये स्ट्रेंज बात होगी जिससे कि यहाँ पर श्रवणी थोड़ी घबरा जाएगी। लेकिन उसके बाद जब वो घर पर रहेगी तो उसके हाथों पर नागिन की केचुली उतरते हुए दिखेगी और आप वही देखेंगे आने वाले एपिसोड में। यहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव आएगा श्रवणी के अंदर, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक सपना भी रहेगा, उसके पिछले यानी पुनर्जन्म का। पिछले जन्म का यहां पर सपना जो आएगा वो होगा माहिर से जुड़ा हुआ, जो कि श्रवणी को कंफ्यूजन में डाल देगा, आखिर में मेरा क्या रिश्ता है उस आदमी से, मतलब मिहिर से। अब यहां पर मिहिर को तो उतना याद आ नहीं रहा है, धीरे धीरे करके उसे झलक दिखाई दे रही है। पहले श्रवणी को याद आएगा, फिर मिहिर को, उसके बाद में यहाँ पर कहानी शुरू होगी। अब बेला की शक्तियाँ धीरे धीरे करके वापस लौटेगी, लेकिन वो अभी नागरानी नहीं है। नागरानी कब बनेगी उसकी एक प्रॉपर वीडियो हमने बनाई है, आप जाके देख सकते हैं कि शिवांगी वापस आएगी, किस वजह से आएगी वो हम आप जाके देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो। वैसे यहाँ पर श्रवणी की शक्तियाँ धीरे धीरे करके वापस आने लगेंगी और उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव जो आएगा वो होगा यहाँ पर मिहिर की शादी को लेकर। उसके बाद में मिहिर के मन में ये सब सवाल गूंजने लगेंगे, जिससे कि मिहिर के पास में जो शक्तियां होंगी, यानी मिहिर के पास में जो उसकी याददाश्त होगी वो वापस आ जाएगी। सॉरी, शक्तियां बोल दिया, याददाश्त की बात कर रहे हैं हम, शक्तियों की नहीं। उसके बाद में यहां पर जो एंट्री बोल रहे हैं हम काफी दिनों से कि यहां पर एक दिव्य शक्ति से आएगी सामने मौनी रॉय की एंट्री, यानी शिवांगी की। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बुआ बनकर आई हैं नागिन सीजन 3 में, मिहिर की, वो सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। तो इंतजार कीजिए और कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक